अभी भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट अंदर खाते नागरिकता कानून के विरोध में दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी का बिहार में बंद बुलाया, तो आरजेडी ने बिहार में बंद का आह्वान किया है, जिसका असर सुबह सवेरे भी देखा गया। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अररिया के फारबिसगंज में ट्रेन रोकी, दरभंगा में सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिहार बंद के दौरान कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से कपड़े उतारकर प्रदर्शन करते हुए आरजेडी के कार्यकर्ता, तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार बंद को लेकर शुक्रवार को पटना में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के बड़े नेताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला था और कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध है वो किया जाए। और अब बंद का आह्वान जो है वो आरजेडी की तरफ से किया गया, और इस बंद का आह्वान साफ तौर पर बिहार में कई जगहों पर देखा भी गया है। बंद के चलते समर्थकों ने जगह जगह ट्रेनों को रोकना शुरू कर दिया है। अररिया में आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर नारे जागीरपनी से कटिहार जा रही एक ट्रेन को रोक दिया था, और इसी को देखते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो लगातार जो विरोध के सुर है वो अब बिहार के पटना में बुलंद होने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 को भगवानपुर में बंद कर दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बहसों के साथ नेशनल हाईवे पर आए और तो भैंसों के ऊपर पोस्टर टांग कर रखे गए, जिस पर लिखा था कि काला कानून नहीं चलेगा, मैं भारतीय हूं, इस तरह का मैसेज जो है वो देने की कोशिश। तो कहीं कपड़े उतारकर आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए, तो कपड़े उतारकर नेशनल हाईवे पर कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्ती लेकर बैनर लेकर अपने विरोध को जाहिर करते हुए, तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर जहां कपड़े उतारकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती और बैनर उनके हाथ में था, ये पटना की तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर बिहार के वैशाली की, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ता भैंसों के साथ नेशनल हाईवे पर आ गए और प्रदर्शनकारियों ने भैंसों के ऊपर पोस्टर टांग रखा था, जिस पर लिखा था कि काला कानून नहीं चलेगा, मैं भारतीय हूं। नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर टायर भी जलाया गया। ये तीसरी तस्वीर दरभंगा की, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर अपनी नाराजगी को, इस बंद का जो आह्वान किया गया था उसको, उसके असर को दिखाने की कोशिश की गई। तो सीएए को लेकर आरजेडी ने बंद का आह्वान किया है और सीधे तौर पर बिहार में इसका साफ तौर पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जहानाबाद में भी एनआरसी और सीएए के खिलाफ आरजेडी समर्थकों ने स्टेशन पर पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस और पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रोककर ट्रैक पर आगजनी की। NH 110 और NH 83 को भी जाम कर दिया। तो आरजेडी नेताओं का ये कहना कि जिस तरीके से सरकार गंगा जमुना तहजीब को बांटने में लगी है उसे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो तीन तस्वीरों के जरिए आपको बिहार के हालात हम दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से दिल्ली और यूपी में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, और आज बिहार में कहीं ना कहीं आवाज बुलंद होती हुई इस कानून के खिलाफ दिख रही है। तीन तस्वीरें और इस बंद का आह्वान पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से मशाल जुलूस निकालकर किया गया था शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इन तीन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जहां पटना में कपड़े उतारकर टायर जलाकर विरोध को जताया गया, तो दूसरी तरफ वैशाली में नेशनल हाईवे पर भैंसों को लेकर जो प्रदर्शनकारी थे और आरजेडी कार्यकर्ता वो सड़कों पर आ गए और भैंसों के सर पर पोस्टर भी यहां पर टांगे गए और एक मैसेज देने की कोशिश की। और जो ये कानून लागू किया गया है, इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा गया कि जो संस्कृति को बांटने की कोशिश हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दरभंगा की तीसरी तस्वीर, जहां पर ट्रेन रोककर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए आरजेडी कार्यकर्ता नजर आए। तो सुबह सवेरे से ही जो विरोध के सुर हैं वो बुलंद होते दिख रहे हैं। तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को बंद का आह्वान किया और आज सुबह से ही
जो बंद का आह्वान है उसका असर दिख रहा है। तो सुबह सुबह बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अररिया में ट्रेन रोक दी, दरभंगा और वैशाली में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बंद करा दी और सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में बिहार पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएए के खिलाफ भैंसे लेकर कोई उतरकर अपने रोष को जता रहा है, तो कहीं दूसरी तरफ टायर जलाकर कपड़े उतारकर प्रदर्शन, ट्रेन रोकने की कोशिश। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के विरोध की।